guys, welcome back to my channel. And festive season is around the corner. And to add that touch of elegance, I am going to share 6 different festive wear sarees जो कि आप इस season style कर सकते हो. And सोने पे सुहागा ये है कि Prime Day sale भी अब Amazon पे आने वाला है. कल से आपको Prime Day deals मिलने वाली है Amazon पे. तो ये सारे के सारे साड़ियाँ भी आपको काफी amazing rates पे मिल जाएंगी. So guys, without further ado, let's just jump into the video. Alright, so starting with the first साड़ी, ये silk material में साड़ी है. And believe me, पहली बार किसी कपड़े को iron करते हुए मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था. बिल्कुल भी मुझे believe नहीं हुआ कि ये साड़ी 779 रुपीस में मुझे ये मिली है. It's so amazing, guys. So ये जो साड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये silk blend material में है. And इसका जो ये आप आंचल देख रहे हो ना, थ्रू आउट इस तरह से आपको ये काम किया हुआ है. इट्स अ थ्रेड वर्क, मशीन वर्क है ये. ये लीफ के फॉर्म में है. सो देर आर टू डिफरेंट कलर्स, ब्लैक एंड ब्राउन कलर में है. इनफैक्ट आई वुड से इट्स मोर काइंड ऑफ अ गोल्डन टच. सो ये जो साड़ी है, इसके साथ आया था ये ब्लैक कलर का ब्लाउज. बेसिकली हमारे पास ब्लैक कलर के एम्ब्रॉयडरी भी है, इसलिए बेसिक सा ये ब्लाउज है. तो इस ब्लाउज को आप चाहो तो स्टिच करा सकते हो. ये अगेन 0.8 मीटर लंबा है. एंड ये कुछ इस तरह से यहाँ पे अंदर की तरफ ये डिटेलिंग दिया हुआ है को मैंने डिच करके. मेरे पास जो ये डिजाइनर ब्लाउज था जो मैंने 2 साल पहले लिया था, उसको मैंने स्टाइल किया है. एंड एज यू कैन सी, ब्लैक बेस के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बेसिक लुक भी कितना एम्प अप लग रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टाइलिंग हियर. सो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे फिलहाल के लिए मैंने सारा का सारा जो ज्वेलरी है, एक्सेसरीज है, वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के फॉर्म में मैंने रखा है. बट अगेन, बिकॉज हमारे साड़ी में इस तरह से ये गोल्डन थ्रेड वर्क किया हुआ है, तो आप चाहो तो इस ब्लैक कलर के ब्लाउज को डिच करके गोल्डन कलर के ब्लाउज को भी फेस्टिव सीजन में स्टाइल कर सकते हो. बट फिलहाल के लिए हम इस ब्लाउज के अकॉर्डिंग स्टाइल कर रहे हैं. तो स्टाइलिंग में मैंने क्या किया है, ये इस तरह से मेरे पास झुमका था, इसको मैंने स्टाइल किया है. एक कड़ा ले रखा है मैंने, कुछ इस तरह से ये कड़ा दिखता है. एंड इसके साथ जो मैं फुटवेयर ले रही हूँ वो है ये ब्लैक कलर की हील. एंड टू कंप्लीट द लुक, आई वुड टेक दिस हैंडबैग. अगर आप चाहो तो इस हैंडबैग को स्किप करके, आजकल पोटली बैग्स वापस से ट्रेंड में आ गए हैं. एंड जैसे कि आपने देखा अनंत अंबानी की शादी में, मोस्टली सेलिब्रिटीज ने पोटली बैग्स ही स्टाइल किए हैं. तो आप इस सीजन, इस वेडिंग सीजन हो या फेस्टिव सीजन हो, ये पूरा का पूरा साल आप पोटली बैग एकदम फ्लॉन्ट कर सकते हो. ओके, सो जॉर्जेट मटेरियल में ये नेक्स्ट साड़ी मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट करी है. इट्स वेरी वेरी लाइट वेट. आई लव द कलर कॉम्बिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बड़ा ही प्यारा पाउडर ब्लू कलर में ये साड़ी मुझे दिखी थी. सिंगल कलर ही मुझे दिखा था एक्चुअली, इसका और कोई कलर दिख नहीं रहा था. इसमें आपको अगर मैं दिखाऊं हल्का सा लाइट में, तो इस तरह से आपको ना ये सिल्वर कलर टोन में आपको इस तरह से ये जो आपको स्टड्स दिख रहे हैं ना, ये इस तरह से लगे हुए हैं इस साड़ी में. वेरी वेरी लाइट वेट एंड सिंपल. इसके साथ अनस्टिच ब्लाउज भी आता है, जो कि सेम इसी कलर में प्लेन ब्लाउज है. बट अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से, आपको पता चल ही गया होगा कि मैं जो सिंपल ब्लाउजेज होते हैं उनको ना स्टाइल करके अपने पास हमेशा डिज़ाइनर ब्लाउजेज ही रखती हूँ, ताकि इस तरह की जो बेसिक साड़ियाँ हैं उनको एम्प अप कर सकूँ. इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो पर्टिकुलर व्हाइट कलर में मेरे पास इस तरह से, इसमें ना एक्चुअली काफी सारा वर्क किया हुआ है. वी हैव एम्ब्रॉयडर्ड वर्क, सीक्विन वर्क, एंड जस्ट लुक एट द डिटेलिंग ऑफ दिस ब्लाउज. बड़ा ही प्यारा ब्लाउज था ये, तो इसको मैंने पिक किया है इस पर्टिकुलर साड़ी के साथ. नाउ ये जो आप साड़ी देख रहे हो ना, इसको आप चाहो तो फेस्टिव सीजन में पहन सकते हो, वेडिंग फंक्शंस में पहन सकते हो. अगर आप सटल रखना चाहते हो तो बिल्कुल इसके साथ जो प्लेन ब्लाउज आता है वो पहन लो. थोड़ा एम्प अप करना चाहते हो फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन के लिए, तो इस तरह के हैवी ब्लाउजेस को मिक्स एंड मैच करके स्टाइल कर सकते हो, जस्ट टू एम्प अप द लुक. नाउ यहाँ पे हमने ब्लाउज जो लिया है वाइट कलर में, तो एक्सेसरीज भी हम उसी अकॉर्डिंग लेंगे. So, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्योंकि पर्ल आजकल ट्रेंड में है, तो पर्ल की एक्सेसरीज मैंने रखी है. इस तरह से ये बड़ा वाला ड्रॉप इयररिंग लिया है, ये एक सिंगल इस तरह से चेन ले रखी है अगेन पर्ल में. नाउ अभी रिसेंटली मैंने ये पर्ल बैग एड ऑन किया है अपने कलेक्शन में, हैंडबैग कलेक्शन में. तो ये अगेन मैं स्टाइल करूँगी इसके साथ.
एंड टू कंप्लीट द लुक आई वुड टेक दीज जुत्ती. ये इसमें भी पर्ल हैं कुछ इस तरह से, आप देखो डिटेलिंग दिया हुआ है. दीज हैव पर्ल एंड बीड वर्क. सो दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस. Alright, so moving on to the next georgette साड़ी. ये मोव कलर में मुझे ये georgette साड़ी दिखी थी. I love the bling. काफ़ी सटल bling है इसमें and ये काफ़ी सही है. लाइक सो आपको सामने से अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से इसमें सिल्वर अंडर टोन है जो कि हल्का सा एकदम bling add on कर रहा है. Also additionally we have these कर्ट्स यहाँ पे इसके पल्लू पे एंड वी हैव दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी वर्क गोइंग ऑन ऑल अराउंड. बड़ा ही प्यारा ये वर्क है. ओवरऑल साड़ी में ही ये वर्क दिया हुआ है. इसके साथ जो अनस्टिच ब्लाउज आता है, सो इसमें भी ना दो डिफरेंट सेक्शंस हैं इस ब्लाउज में. सो फर्स्ट है ये इस तरह से ये नेकलाइन दिया हुआ है एंड देन सेम एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला एंड देन यू हैव द सेकेंड पोर्शन विच इज आई थिंक दिस इज स्लीव. तो ये स्लीव्स की डिटेलिंग के लिए है. एनी वेज वी आर नॉट गोइंग टू गेट इट स्टिच्ड. इंस्टेड आई हैव दिस ब्यूटिफुल स्टडेड स्टार स्टडेड आई वुड से. एकदम बहुत ही प्यारा स्टडेड ये ब्लाउज है. इट्स अ पैडेड ब्लाउज एंड एट दिस लुक्स really very subtle and it blends well with the saree. तो mauve color के साथ ये जो आप पीचिश undertone में ये जो ब्लाउज आप देख रहे हो जिसमें proper इस तरह से embroidery work के साथ sequin work है and it's actually blending very well with the saree. So इसके साथ now ये जो साड़ी आप देख रहे हो georgette material में, ये अभी इसमें different colors available थे but I wanted to give this color a try. और ये जो साड़ी है ये है 1649 rupees की currently मुझे जो Amazon पे दिख रहा है. Now अब हम इस पे आते हैं styling के ऊपर because we have all the blend in our blouse. We have a beautiful embroidered work going on. I have tried to keep things really really subtle and simple. So yahan pe maine ye earring le rakhi hai. It's a drop earring, beautiful. ये एक necklace set ka maine ye earring le rakha hai. Isko style kar rahe hain and for handbag I would take this handbag. Kafi sare outfits ke sath maine style kiya hua hai. And to complete the look I would take these strappy heels. So this is how the overall look looks like guys. जॉर्जेट मटेरियल में ही नेक्स्ट अप ये जो साड़ी है ब्लैक कलर बेस में. आई हैव दिस साड़ी एंड ये बड़ा ही प्यारा लुक दे रहा था मुझे. सो ओवरऑल अगर आप देखो तो इस तरह से आपको पूरे साड़ी में पैटर्न दिखेंगे. ये सिक्विन वर्क का है एंड आंचल पे के बॉर्डर पे ना इस तरह से आपको ये एम्ब्रॉयडर्ड एंड सिक्विन वर्क की डिटेलिंग कुछ इस तरह के पैटर्न में दिखेगी. इट्स ब्यूटिफुल लाइट वेट एंड वेरी ईजी टू कैरी. नाउ इसके साथ आता है अनस्टिच ब्लाउज जो कि सीक्विन वर्क में है कुछ इस तरह से. 0.8 मीटर का ये कपड़ा है एंड इसको फिलहाल हम हटाते हैं. एंड आई हैव दिस डिज़ाइनर ब्लाउज जो कि आप लोगों ने कई बार मेरे वीडियोस में देखे हुए हैं एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन टू डिज़ाइनर ब्लाउजेज जो कि आप मल्टीपल वेज में मल्टीपल ओकेजन पे मल्टीपल आउटफिट्स के साथ पेयर कर सकते हो. देखो ये कितना प्यारा लग रहा है. नाउ व्हाई इज़ दिस लुकिंग गुड टुगेदर. सबसे बड़ी बात कि हमारा जो बेस कलर है ब्लैक और ये ब्लैक ये मैची मैची हो गया है. वी हैव ऑल द colors which is there in this saree. The thread work, the sequin work, it's there in this blouse. And ek aur add-on hai jo ki multiple thread work jo yahan pe kiya hua hai na, it's giving that charm to this outfit. Now yahan pe accessories ki agar main baat karu to because we have all the colors, yahan pe maine ye drop earring le rakhi hai jiske niche is tarah se ye jo beads aap dekh rahe ho, it has all the colors which we have in our blouse. Now for handbag, जैसे मैंने आपको बताया कि पोटली का सीजन चल रहा है. इट्स नॉट गोइंग एनी वेयर. सो कुछ इस तरह से आई एम गोइंग टू टेक दिस पोटली एंड टू कम्प्लीट द लुक आई वुड टेक दिस हील एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज. इस साड़ी की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे करेंटली अमेजोन पे 1449 रुपीज़ में दिख रहा है. पोल्का डॉट प्रिंट में ये शिफॉन मटेरियल में ये साड़ी मुझे दिखी थी. इसमें ना काफ़ी सारे कलर्स थे. आई थिंक 10+ कलर्स होंगे बट मैंने ये चूज़ किया.
I love how subtle and sober it looks like and the detailing on the archel. It's lovely, guys. इस तरह से ये sequin work किया हुआ है. बहुत ही प्यारा सा ये साड़ी है. ये जो साड़ी मुझे Amazon पे currently 1599 rupees में अभी दिख रहा है इस साड़ी के साथ. So इस साड़ी के साथ ये ब्लाउज आया हुआ है. It's kind of a textured blouse इस तरह से and काफ़ी different color है. Honestly अगर मैं बताऊँ तो मुझे फोटो में उतना समझ में नहीं आ रहा था कि exactly ये कैसा दिखेगा, बट बिलीव मी मैं अगर इसको हटा दूँ तो ये साड़ी काफ़ी प्यारी लग रही है. एंड इस साड़ी को फिर मैंने सोचा कि यार इतनी प्यारी साड़ी है, बहुत ही एकदम डिफरेंट सा एक लुक क्रिएट करते हैं. सो यहाँ पे ना मेरे पास ये लेस में ही डिफरेंट कलर्स में ये आप जो देख रहे हो ब्लाउज है, इट हैज़ दिस काइंड ऑफ पट्टी. ये जो लेस होते हैं ना डिफरेंट पट्टियों को जोड़ के ये बना है. बहुत ही प्यारा ये ब्लाउज है और लास्ट ईयर मैंने इसको अराउंड दुर्गा पूजा के टाइम पे लिया था, नवरात्रों के टाइम पे, तो वो तब से मैं चला रही हूँ. सो ये देखो कि ये कितना सिंपल सा साड़ी है, इसको ये इतनी ब्यूटिफुली एम्प अप कर रहा है. नाउ खास बात यह है कि इसमें जो गोल्ड वर्क है ना, हमारे गोल्डन जो यहाँ पे जो डिटेलिंग है उसके साथ ये ब्लेंड होके काफ़ी एकदम पुट टुगेदर लग रहा है. नाउ यहाँ पे मैंने एक्सेसराइज कैसे किया है. सो ये मैंने इयररिंग ले रखी है. आई डिडंट वांट टू गो विद झुमका या फिर एकदम ड्रॉप इयररिंग. तो मैंने यहाँ पे ये तीन डिफरेंट कलर्स हैं स्टोन में, तो इनको मैंने पिक किया है. एंड हैंडबैग के लिए आई टुक दिस गोल्डन क्लच, इसको भी मैंने कई बार आपको दिखाया हुआ है. और इस लुक को कंप्लीट करने के लिए आई वेंट अहेड विद दिस फुटवेयर एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस. सो वी हैव रीच्ड द लास्ट साड़ी ऑफ दिस वीडियो. सो ये शिफॉन मटेरियल की साड़ी है ऑम्ब्रे प्रिंट में. एज यू कैन सी देयर आर टू डिफरेंट कलर टोन्स और ये कुछ इस तरह से है. सो एक चीज जिसने मेरे अटेंशन ग्रैब की है वो है इसके पल्लू की जो एंड है ना उस पर इस तरह से ये डिटेलिंग बनी हुई है. एंड आई मीन दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर जो टैसल्स वगैरह होते हैं ना उससे ये थोड़ा सा हटके है. I love the length of the sari. I love the feel of the sari. It's actually something which I would recommend you guys if you are into two dual prints. Now, so इसके साथ ये ब्लाउज आता है. लाइट में आपको अगर हल्का सा दिखाऊं, ओवरऑल ये प्रिंटेड ब्लाउज में इस तरह से ये सिक्विन वर्क किया हुआ है. दिस लुक्स रियली गॉर्जियस. मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ये अगर मैं कैटलॉग दिखाऊं ना तो कैटलॉग इसके कैटलॉग में बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि इसका जो ये ब्लाउज है ये इतना प्यारा सिक्विन वर्क वाला है. खैर इसको मैंने ना स्टिच करा के आई हैड दिस ब्लाउज ऑफ वाइट में ही. वी हैव दिस यू नो डिफरेंट कलर के एम्ब्रॉयडरी वर्क किए हुए हैं. दिस ऑल्सो लुक्ड रियली वेरी नाइस विथ दिस पर्टिकुलर साड़ी. सो इसके साथ मैंने मिक्स एंड मैच किया है. एंड यहाँ पे एक्सेसरीज के लिए आई वेंट अहेड विद दीज ड्रॉप इयररिंग जिनमें की प्राइमरी कलर्स कुछ इस तरह से हैं, ग्रीन एंड पिंक में. नीचे यहाँ पे पर्ल की डिटेलिंग दी हुई है. एंड टू कंप्लीट द लुक सो आई वेंट अहेड विद दिस बॉक्स क्लच. एंड टू कंप्लीट द लुक आई वेंट अहेड विद दिस कोल्हापुरी सैंडल जिसमें इस तरह से गोल्डन डिटेलिंग दी हुई है. सो ओवरऑल हमारा गोल्डन ही मैंने पकड़ के ये पूरा का पूरा एक्सेसराइज किया है. नाउ यहाँ पे अगर मैं साड़ी की बात करूँ तो ये ना डिफरेंट कलर्स में मुझे अवेलेबल दिख रही थी. इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये करेंटली मुझे 1549 रुपीज में दिख रहा है. सो गाइज आई रियली होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कौन सी साड़ी एंड स्टाइलिंग आपको अच्छी लगी. एंड ऑल्सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख ली है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय.